लास्ट क्लास में कहां तक किया था रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंट प्लेन तो देखे थे क्वेश्चन टेस्ट दिया था नहीं था नहीं टेस्ट दिया था मेजर टेस्ट ये पूछ रहा हूं मैं क्यों नहीं। दिया था तुमने टेस्ट कौन सा दिया था दिए थे मेंस एडवांस yes. किसने दिया और किसने दिया था दिया था टेस्ट दोनों दिए थे एडवांस के बना कुछ क्या क्या बना तूने दिया था तो कितने आए आंसर की समझ में आएगा ना आंसर की तो मिली होगी ना नहीं मिली आंसर की अभी हम्म। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहाँ पे हमने रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन तक कर लिया था ना तो नेक्स्ट टेरिंग डालो वहां पे, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट लिखो वहां पे, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग अगर मान लो प्योर रोलिंग हो रही है और अगर हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम उस मेथड की बात कर रहे हैं अब जैसे देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड और यहां पे शो कर रहे हैं पहले इस तरह से यहां पे हम कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं अच्छा फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है डिस्क सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो है रिंग थर्ड केस में ऑब्जेक्ट है डिस्क और जो फोर्थ केस है फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है स्फेयर है तो इस तरह से यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अच्छा फर्स्ट केस में हम किसकी बात कर रहे हैं डिस्क की और डिस्क के केस में हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स एफ सेकेंड केस में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे थर्ड केस में जो फोर्स है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्क पे लेकिन कितने डिस्टेंस पे जो सेंटर है आर बाई टू फिर यहाँ पे एक स्वेयर है और स्वेयर पे हम इस तरह से नीचे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ कितने डिस्टेंस पे अच्छा इन सभी केस में इन सभी केस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है यानी डिस्क है रिंग है फिर डिस्क है फिर यहां पे स्फेयर है इन सभी केस में जब हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट वहां पे क्या कर रहा है प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है अच्छा जब भी ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो कोई जरूरी कि फ्रिक्शन होगा मैंने क्या बोला है अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो हो सकता है फ्रिक्शन लगे यह भी हो सकता है कि फ्रिक्शन ना लगे अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उसका नेचर वहां पे स्टैटिक होगा में क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन लग भी सकता है फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है लेकिन अगर फ्रिक्शन हुआ तो उसका नेचर वहां पे क्या होगा स्टैटिक होगा अब इन सभी केस में हमें बताना है कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है फ्रिक्शन पीछे लग रहा है या फ्रिक्शन क्या है जीरो तो जिस मेथड की हम बात करने जा रहे हैं वहां से हम केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और उस मेथड का कोई यूज नहीं है अब मेथड में हम करते क्या है जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है कि एज्यूम करो कि सरफेस स्मूथ है जो पहला स्टेप है वो क्या है एज्यूम द सरफेस, एज्यूम द सरफेस टू बी स्मूथ तो सबसे पहला स्टेप है सरफेस को तुम वहां पे क्या कर लो स्मूथ इमेजिन कर लो अच्छा सरफेस को अगर तुमने स्मूथ इमेजिन कर लिया अभी तो फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे बॉडी के ऊपर ये बताओ बोलो यहां पे अगर हमने सरफेस को यहां पे स्मूथ इमेजिन किया तो फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे एक तो शो करोगे वहां पे नॉर्मल दूसरा एम और तीसरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स एफ बताओ इसके अलावा कुछ होगा क्या तो सबसे पहले हमने सरफेस को क्या इमेजिन कर लिया स्मूथ अब अगले स्टेप में करना क्या है अगले स्टेप में हमें कंसिडर करना है बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तो नेक्स्ट लिखो वहां पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तो पहले हमने इमेजिन क्या किया पहले हमने इमेजिन कर लिया सरफेस पूरा स्मूथ है अगले स्टेप में हमें क्या इमेजिन करना है कि ये बॉडी केवल क्या कर रही है अच्छा बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रही होगी तो बॉडी इस तरह से मूव कर रही नहीं मूव कर रही होगी बॉडी का हर जो पॉइंट रहेगा बताओ हर पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा तो सबसे पहले हमने इमेजिन किया कि ये बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही है अच्छा बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रही है तो बॉडी का कुछ एक्सप्लोरेशन ए वन होगा कि नहीं होगा होगा अच्छा तो अब इस ए वन को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें इमेजिन करना है कि ये बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही है तो नेट फोर्स कितना है नेट फोर्स को क्या लिखोगे एम इंटू ए वन ए वन की वैल्यू कितनी हो गई तो सबसे पहले हमने सरफेस को स्मूथ इमेजिन किया उसके बाद हमने क्या, क्या कंसिडर किया उसके बाद हमने कंसिडर किया बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन अच्छा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन अगर पकड़ोगे तो जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल कहां जा रहे हैं आगे की ओर सभी पार्टिकल अगर आगे की ओर जा रहे हैं तो लोअर मोस्ट पॉइंट भी कहां जा रहा है तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलोरेशन वन होगा किसके कारण प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण थर्ड स्टेप में क्या करना है थर्ड स्टेप में हमें इमेजिन करना है कि बॉडी केवल प्योरली रोटेट कर रही है तो अगले स्टेप में इमेजिन करो प्योर रोटेशनल मोशन पहले हमने क्या इमेजिन किया पहले हमने इमेजिन किया कि सरफेस कैसा है स्मूथ है फिर हमने क्या इमेजिन किया कि बॉडी जो है वो केवल क्या कर रही है प्योरली ट्रांसलेट कर रही है फिर तीसरे केस में बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है अच्छा बॉडी अगर कोई प्योरली रोटेट करेगी तो डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा बॉडी केवल इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है अच्छा बॉडी अगर रोटेट करेगी तो हर पॉइंट का एक्सलोरेशन कहाँ होगा इस पॉइंट का एक्सलोरेशन इधर, इधर इसका इधर इसका इधर इसका इधर होगा कि नहीं होगा अब अगले स्टेप में तुम्हें क्या इमेजिन करना है अगले स्टेप में तुम्हें इमेजिन करना है कि बॉडी इस पॉइंट के अबाउट केवल क्या कर रही है बताओ टॉर्क किसका बनेगा नॉर्मल का टॉर्क जीरो एमजी का टॉर्क जीरो तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क केवल किसका बनेगा एफ का बनेगा कितना टॉर्क बनेगा तो टॉर्क बनेगा एफ इंटू आर इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा तो जब रोटेशनल मोशन इमेजिन करोगे तो टॉर्क बनेगा एफ इंटू आर इक्वल टू आईसीएम अल्फा तो अगले स्टेप में हो जाएगा आईसीएम बताओ आईसीएम कितना होगा भाई ये किसकी बात कर रहे हो अभी अभी तुम डिस्क की बात कर रहे हो तो डिस्क के लिए क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू क्या हो गया अल्फा अब बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहां पे अभी यहां से कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू एफ बाय आर आएगी कि नहीं आएगी अल्फा की वैल्यू तो ये हो गया ए वन ये हो गया वहां पे अल्फा अच्छा हमने क्या इमेजिन किया है कि अभी ये बॉडी केवल क्या कर रही है अच्छा बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो इस लोअर मोस्ट पॉइंट का ए टू होगा और ए टू की जगह हम आर अल्फा लिख सकते हैं लिख सकते हैं भाई बॉडी रोटेट कर रही है अल्फा से तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सलोरेशन ये फॉर्मूला था कि नहीं था टेंजेंशियल एसलोरेशन का ए इक्वल टू तो वो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया अब बताओ ए टू की वैल्यू आर अल्फा है तो बताओ ए टू कितना निकल के आएगा तो ए टू जो निकल के आएगा आर इंटू अल्फा अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो चेक करो टू एफ बाय एम होगा कि नहीं होगा वहां पे देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ए वन रोटेशनल मोशन के कारण वहां पे क्या हो गया ए टू ट्रांसलेशनल मोशन ए वन रोटेशनल मोशन ए टू अच्छा अब ए वन कहा है ए वन आगे की ओर है और ए टू है तो यहां पे अगर देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ए वन आगे होगा रोटेशनल मोशन के कारण ए टू बताओ दोनों इसमें एंगल कितना तो रिजल्टेंट एक्सप्लोरेशन कैलकुलेट कर लो बताओ रिजल्टेंट एन कैलकुलेट करोगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है ए वन बड़ा है या ए टू बड़ा है ए टू तो रिजल्टेंट क्या होगा रिजल्टेंट की वैल्यू ए टू माइनस ए वन होगी कि नहीं होगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ रिजल्टेंट एसलेशन एफ बाय होगा कि नहीं होगा अच्छा ये रिजल्टेंट एरेशन कहां होगा आगे की ओर होगा या पीछे की ओर होगा तो जो भी रिजल्टेंट एसलेशन निकल के आ रहा है वो रिजल्टेंट पीछे की ओर है कि नहीं और रिजल्ट क्या ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में लोअर मोस्ट पॉइंट का एसलोरेशन होगा उसके ऑपोजिट हम अप्लाई कर देंगे फ्रिक्शन तो हम फर्स्ट केस में बोल सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और ये कहां लग रहा होगा आगे की ओर लग रहा होगा ऐसा नहीं? ना अब बताओ इस मेथड में करना क्या है सबसे पहले हमें इमेजिन करना है कि सरफेस कैसा है स्मूथ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करना है और लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलोरेशन फाइंड आउट करना है फिर अगले स्टेप में रोटेशनल मोशन कंसिडर करना है लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलोरेशन दोनों को ऐड कर दो जिस डायरेक्शन में पॉइंट का एक्सलोरेशन होगा उसके ऑपोजिट हम फ्रिक्शन क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे तो इस केस में पॉइंट कहां जा रहा था पॉइंट का एक्सलोरेशन पीछे था तो फ्रिक्शन कहां लगा दिया अगर पॉइंट का एक्सलोरेशन आगे होता तो फ्रिक्शन पीछे और पॉइंट का एक्सलोरेशन अगर जीरो है तो फ्रिक्शन भी वहां पर क्या हो जाएगा जीरो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करो और चेक करो सेकेंड केस में फ्रिक्शन कहां होगा और थर्ड केस में फ्रिक्शन कहां होगा भाई डिस्क के केस में फ्रिक्शन कहाँ लग गया आगे अब बताओ रिंग के केस में फ्रिक्शन कहाँ होगा बताओ सेकेंड केस में क्या चीज चेंज होगी यहाँ तक तो कुछ चेंज आएगा क्या okay. नहीं यहां पे केवल क्या चीज चेंज होगी बताओ तो मुझे अल्फा okay. ए आईसीएम चेंज होगा आईसीएम क्या होता है रिंग का एम okay. स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू एफ बाय एम तो ए की वैल्यू भी okay. अब बताओ दोनों का एक्सीलरेशन सेम है कि नहीं सेम है yes. और दोनों का अगर एस्लोरेशन सेम हुआ तो बताओ रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा जो रिजल्टेंट एक्सलोरेशन रहेगा वो जीरो आएगा कि नहीं आएगा और अगर रिजल्टेंट एसलेशन जीरो है तो इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पे क्या हो गया तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन आगे सेकंड केस में फ्रिक्शन कितना है और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है देखो ये चेक करोगे 2000, 2001 के आसपास का क्वेश्चन है रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है और क्वेश्चन में पूछता है फ्रिक्शन कहाँ है फॉरवर्ड बैकवर्ड जीरो नन ऑफ दिस तो जो करेक्ट आंसर था वो था फ्रिक्शन वहां पे क्या है जीरो अब बताओ थर्ड केस में क्या है थर्ड केस में जाओगे तो, तो क्या चीज में चेंज जाएगा पहले टॉर्क की इक्वेशन चेंज होगी नहीं चेंज होगी अब बताओ टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिया जाएगा आर अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होता है डिस्क का तो फिर से चेक करो अल्फा कितना आ गया एफ बाय आर ए टू की वैल्यू वही एफ बाय ए वन एफ बाय ए टू तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया जीरो, जीरो. रिजल्टेंट जीरो तो हम बोलेंगे इस केस में भी फ्रिक्शन क्या हो गया आ गया अब बताओ लास्ट केस में क्या होगा बोलो अगर हम लास्ट केस देखेंगे तो ये इक्वेशन तो यहां तक सेम आएगी ही नहीं आएगी अब फोर्स एफ ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहां पे? बस पोजिशन नीचे आ गई तो ए वन तो एफ बाय एम होगा कि नहीं होगा अब रोटेशन पे आओ जरा अब चेक करके बताओ जरा इस तरह से अगर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स किसके अबाउट टॉर्क टॉर्क कैसा क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यहां पे मैंने क्लॉकवाइज शो किया है तो इसको हम क्या शो कर दें तो अब बताओ बॉडी ऐसे रोटेट करे नहीं रोटेट करेगी yeah. अच्छा इस फोर्स के कारण बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट का एक्सलोरेशन ए आगे की ओर होगा कि नहीं होगा yeah. इसका एक्सलोरेशन बताओ ये एक्सलोरेशन होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ए वन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं ए वन आगे ए टू भी अब बताओ ये दोनों पॉइंट अगर आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई पॉइंट का एक्सिलेशन अगर आगे तो फ्रिक्शन कहां आ गया अब बताओ इन चारों डायग्राम से क्या चीज क्लियर हो गई हम प्योर रोलिंग के केस में देख के बोल सकते हैं क्या कि फ्रिक्शन आगे है फ्रिक्शन पीछे है या फ्रिक्शन जीरो है नहीं बोल सकते ना हमें कैलकुलेट करना होगा और आफ्टर कैलकुलेशन हम बोल पाएंगे कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है फ्रिक्शन पीछे लग रहा है या फिर फ्रिक्शन क्या है जीरो अब लिखो इन तीनों डायग्राम के पीछे लिखो वहां पर इन केस ऑफ प्योर रोलिंग केस ऑफ प्योर रोलिंग इन केस ऑफ प्योर रोलिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन इनकेस ऑफ प्योर रोलिंग इनकेस ऑफ प्योर रोलिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन प्योर रोलिंग केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है तब क्या बोलोगे तो बताओ हम ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन रहेगा

जीरो हो जाएगा तो सेकेंड पॉइंट लिख लो वहां पर पहले पॉइंट में क्या लिखा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन केस ऑफ प्योर रोलिंग डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट दूसरा लिखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है अब देखो लास्ट क्लास में ने एक आईटीआई क्वेश्चन डिस्कस किया रखो इतना देखो लास्ट क्लास ने एक आई टी एन डिस्कस किया था वहां मैंने क्या बोला था कि इंक्लाइन था इंक्लाइंट का एंगल थीटा था और इस तरह का इंक्लाइंट प्लेन है और इस इंक्लाइंट प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं इस इंक्लाइंट प्लेन पे हम एक रिंग या एक डिस्क को इस तरह से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं रोल करते हुए तो क्या होता है जब ये रोल करता हुआ ऊपर जाता है तो कुछ टाइम बाद ये रुकता है कि नहीं रुकता है फिर उसके बाद क्या होता है ये ऐसे ऊपर जाएगा रुकेगा उसके बाद फिर ये क्या होगा तो वहां है मैंने पूछा था कि पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन कहाँ लगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन कहाँ निकल के आया था अब कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है सबसे पहले सरफेस को स्मूथ मान लो जरा बताओ सरफेस को अगर स्मूथ मानोगे तो फ्री बॉय डायग्राम में फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे नॉर्मल एम जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में कॉस थीटा। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या अब बताओ ये जो डिस्क या सिलेंडर जो भी है ऊपर जाए या नीचे जाए बताओ नेट फोर्स हमेशा है? नेट फोर्स अगर नीचे की ओर है इसका मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ए वन एक्सलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा यह ट्रांसलेशनल मोशन के कारण है अब रोटेशनल मोशन कंसिडर करो बताओ किसी का टॉर्क बन रहा है क्या अभी सरफेस को अगर हमने स्मूथ इमेजिन कर लिया तो किसी का टॉर्क बन रहा है क्या नहीं टॉर्क अगर जीरो अल्फा जीरो तो अल्फा जीरो तो ए टू भी क्या हो गया अब दोनों एसलोरेशन को ऐड कर दो ए वन नीचे की ओर है ए टू जीरो है दोनों को एड करोगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एस्लरेशन कहां निकल के आया और ये हमेशा नीचे होगा कि नहीं होगा और एसलरेशन अगर नीचे की ओर है तो मैंने क्या बोला जिस डायरेक्शन में एस्लरेशन उसके ऑपोजिट वहां पे क्या होगा फ्रिक्शन तो एक तरीका ये भी होता है प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का हो? जब हम रोलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेन क्वेश्चन यही आता है कि फ्रिक्शन को अप्लाई कहां करना है आगे या पीछे लिख लिया अब लिखो एक क्वेश्चन लिखो यार और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां पे ग्राउंड और जो भी ग्राउंड है ग्राउंड पे हमने एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सिलेंडर सिलेंडर का मास एम रेडियस आर तो जो भी ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर हमने सिलेंडर को लाके प्लेस किया मास रेडियस और इस सिलेंडर के सेंटर पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स एफ तो फोर्स एफ कहां पे अप्लाई किया सिलेंडर के सेंटर पे और जब सिलेंडर के सेंटर पे हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर प्योर रोलिंग परफॉर्म करता है ये जो भी सिलेंडर है ये सिलेंडर क्या कर रहा है प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है फर्स्ट पार्ट में लिखो पे। फाइंड आउट ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखो फाइंड आउट द एस्लेशन फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर तो बताना है कि जो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है उसका एसलरेशन क्या है अच्छा हमने फोर्स कहां लगाया राइट right की ओर लगाया लेफ्ट की ओर लगाया राइट right की ओर अच्छा किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम राइट right की ओर फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी रोल कर रही है तो कैसे मूव करेगी बॉडी भाई जब इस तरह से फोर्स लाएंगे बॉडी रोल कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि बॉडी केवल ऐसे चली जाएगी आगे बॉडी क्या होगी बॉडी ऐसे रोल करते हुए आगे आगे जाएगी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो बॉडी देखो ये जो स्लेंडर ये जो सिलेंडर सिलेंडर है भी जाएगा और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता हुआ भी जाएगा लेकिन कैसा रोटेशन आएगा इसके क्लॉकवाइज आएगा? आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्लॉकवाइज आएगा अच्छा क्लॉकवाइज कैसे आ सकता है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एफ दिख रहा है नॉर्मल दिख रहा है बताओ इनमें से कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर पाएगा क्या नॉर्मल का टॉर्क जीरो एम जी का टॉर्क जीरो एफ का टॉर्क जीरो तो किसी का टॉर्क बन रहा है क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट तब कौन टॉर्क प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन तो हम देख के बोल सकते नहीं बोल सकते फ्रिक्शन कहां होना चाहिए पीछे की ओर होना चाहिए भाई फ्रिक्शन पीछे लगेगा तभी तो टॉर्क कैसा क्रिएट करेगा क्लॉक एक तो हम ऐसा बोल सकते हैं देख के दूसरा हम क्या कर सकते हैं मैथड यूज करो जरा पहले सरफेस को स्मूथ इमेजिन कर लो अब बताओ एफ फोर्स के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जाएगा एफ फोर्स के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट आगे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा और उसका एक्सलोरेशन एफ बाय होगा कि नहीं होगा फिर अगले स्टेप में हम क्या करते थे रोटेशनल मोशन कंसिडर करते थे बताओ किसी का टॉर्क है क्या नहीं। तो अल्फा नहीं। अल्फा अगर जीरो तो ए टू भी अब दोनों को ऐड कर दो जरा बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कहां है और रिजल्टेंट अगर आगे होगा तो फ्रिक्शन कहां होगा तो ये तुम्हारा वहां पे क्या हो गया फ्री बॉय डायग्राम हो तो फ्री बॉय डायग्राम में नॉर्मल शो करोगे एम शो करोगे एफ शो करोगे और साथ में क्या शो करोगे फ्रिक्शन आया कि नहीं है इतना अच्छा अब किस केस की हम बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की और प्योर रोलिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था अगर हम प्योर रोलिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करते हैं दूसरी बार और दोनों के रिजल्ट को हम कंबाइंड करते हैं तो हमें रोलिंग का रिजल्ट मिलता है अच्छा हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन तो मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन ए सी एम ये कैसा रोटेट करता हुआ जा रहा है तो अल्फा क्लॉक वाइज होगा कि नहीं होगा और हमें पहला रिजल्ट मालूम है कि प्योर रोलिंग के केस में ए सी एम किसके बराबर होता है तो बताओ ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है तो ए सी एम टू आर अल्फा ये इक्वेशन तो गई वैलिड है कि नहीं अब बताओ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो पहली इक्वेशन लिखोगे नॉर्मल किसके बराबर ये ट्रांसलेशनल मोशन से आएगी नॉर्मल हो गया एम जी के बराबर नेट फोर्स कितना है एफ माइनस एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू एसी एम भाई भी भी है, भी है, तो F कितना हो गया? M into फिर अभी एक बार ट्रांसलेशनल मोशन हो गया. अब अगले स्टेप में, प्योर रोटेशनल मोशन किसके अब तो इमेजिन करो किसके अबाउट बॉडी केवल क्या कर रही है रोटेट कर रही है तो टॉर्क किसका बनेगा तो लिखोगे एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फाइट ऑब्जेक्ट मेरा सिलेंडर है तो आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा तो जो भी एफ आएगा एफ हो जाएगा एम आर बाई टू इंटू अल्फा ये इक्वेशन फोर है कि नहीं है yes. अब क्या करना है इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर इक्वेशन वन को सॉल्व करो और कैलकुलेट कर लो सेंटर ऑफ मास का एक्सलोरेशन और ध्यान है यहां समय से सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन भी मिलेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिलेगी कितना है अभी एफ के टर्म में आएगा तो जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सलोरेशन आ रहा है कितना टू एफ बाय अच्छा ए सी एम की वैल्यू मालूम है अब ए सी एम की वैल्यू यहां पुट कर दो तो चेक कर लो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन जो रहेगा वो एफ बाय थ्री पीछे की ओर आएगा कि नहीं आएगा तो जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है सेंटर ऑफ मास का एक्सलोरेशन सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है फ्रिक्शन बताओ फ्रिक्शन इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है एफ बाय थ्री अब फ्रिक्शन अगर एफ बाई थ्री है तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो भी फ्रिक्शन होगा वो लेस देन इक्वल टू तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं एफ बाई थ्री लेस देन इक्व टू एफ एल को हम लिखते थे म्यू इन टू और बताओ यहां पे नॉर्मल किसके बराबर है तो यहां पे तुम बोल सकते नहीं बोल सकते हो कि एफ बाई थ्री लेस देन इक्व टू म्यू एन का मतलब एम इन टू तो जो भी फोर्स रहेगा वो लेस देन इक्व टू क्या होना चाहिए इसका मतलब है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स की एक रेंज होनी चाहिए फोर्स अगर इसके बराबर है इससे कम है तब तो ये रोल क्या करेगा करेगा लेकिन फोर्स अगर इससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो क्या होगा फोर्स अगर इससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो फिर ये जो सिलेंडर रहेगा ये रोल करने के साथ क्या कर जाएगा स्लिप भी कर जाएगा वहां पे तो फिर वहां पे हम बात करेंगे किसकी रोलिंग विद स्लिपिंग की तो कई बार क्वेश्चन में यही पूछता है कि मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स हम कितना अप्लाई कर सकते हैं तो मैक्सिमम जो फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्री म्यू एम जी ये मैक्सिमम फोर्स है जो हम यहां पे क्या कर पाएंगे अप्लाई कर पाएंगे

न्यू अगर इससे कम हुआ तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा स्लिप कर जाएगा वहां पर लिखा है इतना अब देखो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो जरा देखो ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमने क्या किया है क्रिकेट में रोलर देखा ही नहीं देखा है अभी पिच को रोल करने के लिए यूज करते ही नहीं यूज करते हैं तो जब पिच को रोल करने के लिए यूज करते हैं तो बेसिकली वो एक सिलेंडर होता है कि नहीं होता है तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सिलेंडर है सिलेंडर का मास एम है रेडियस आर है अच्छा जब इसको रोल कराना होता है तो तो कैसे फोर्स लगाते हैं अभी मान लो ऐसे लेके जाना है इसको हमें ऐसे मूव कराना है रोलर को तो क्या होता है उसका एक हैंडल होता ही नहीं होता है और जो हैंडल रहता है हैंडल के थ्रू हम इस तरह से कुछ फोर्स अप्लाई करते कि नहीं अप्लाई करते हैं। देखा ही नहीं देखा है क्रिकेट का रोलर जो रहता है जिसको हाथ से मूव कराते हैं या तो, तो कई बार हम आगे लेके जाते हैं कई बार तो जब पीछे लेके आते हैं तो ऐसे ही कुछ एक्सेल हैंडल रहता है जिसपे क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करता है तो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सिलेंडर है सिलेंडर का मास एम रेडियस कितना आर और ये जो भी फोर्स है ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे और जब हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट वहां पे प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है अब क्वेश्चन में अगेन क्या कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द एस्लरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एसलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अबे सब कुछ सेम रहेगा क्या केवल चेंज आएगा जो जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो बेसिकली क्या किया है N, Mg, यहां पे नॉर्मल एन एम जी यहां पर फोर्स का कंपोनेंट कितना दूसरा नॉर्मल के साथ फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा क्योंकि जो भी बॉडी रहेगी बॉडी ऐसे रोल करते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी वहां पे, yes. तो फ्रिक्शन आ गया पिच है अब इक्वेशन क्या लिखोगे तुम बताओ मुझे पहली इक्वेशन तो तुमने क्या यूज करी कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सप्लोरेशन एसीएम है एंगुलर एक्सप्लोरेशन अल्फा तो एसीएम इक्वल्स टू फिर ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर किया तो इक्वेशन क्या लिखोगे इक्वेशन लिखोगे एफ साइन थीटा प्लस किसके बराबर अच्छा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी एफ कॉस माइनस एफ एस इक्वल टू एम इन टू ए सी एम फिर क्या करोगे टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब अगले स्टेप में हमें रोटेशनल मोशन कंसिडर करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो टॉर्क कितना एफ एस इंटू आर आई सी एम कितना एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा ये हो गई इक्वेशन फोर अब करना क्या है इक्वेशन वन थ्री फोर को यूज कर लो और ये ध्यान रखना थीटा हमने कांस्टेंट माना है जो ये थीटा एंगल हमने पकड़ा है ये थीटा एंगल वहां पे कांस्टेंट है ऐसा नहीं कि थीटा एंगल वेरी कर रहा है थीटा एंगल हमारा कांस्टेंट है मॉड्यूल है ना इसका कितना है बोलो हाँ बोलो ए की वैल्यू कितनी टू एफ कॉस्ट थीटा अपॉन देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब चेक करो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कैलकुलेट करके कर देख रहा हूं मॉडल का क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहां पे ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर शो कर रहा है यहां पे एक ऑब्जेक्ट अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अ फोर्स एफ एक्ट टेंजेंशियली फोर्स एफ टेंजेंशियली एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ स्फेयर तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट वहां पे क्या है इस स्फेयर इसका मास एम रेडियस आर फोर्स कहां पे लग रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्वेश्चन तो में क्या बोल रहा है अ फोर्स एफ एक्स टेंजेंशियली एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्वेयर ऑफ ऑन अ रफ मासजोनटल प्लेन तो ये जो सरफेस है ये सरफेस वहां पे क्या है रफ है अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द स्वेयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग तो यहां पे जो भी स्वेयर है वो स्पेयर प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट यहां पे क्या कर रहा है प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है विदाउट स्लिपिंग क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है फाइंड द एक्सलोरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्वेयर पेज नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन करब सॉल्व क्या करोगे

ये तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है आगे या पीछे कैसे बोलोगे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है बोलो तुम लोग कैसे चला फ्रिक्शन पीछे लग रहा है आगे नहीं ले सकता फ्रिक्शन भाई यहां पे अगर तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो ऑलरेडी ये तो टॉर्क क्रिएट कर रहा है ही नहीं क्रिएट कर रहा है ऐसा कोई नहीं टॉर्क बन ही नहीं रहा है टॉर्क तो बन रहा है ना तो अब बताओ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करें पहले ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करो तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलरेशन कितना फोर्स लग रहा है एफ तो एफ बाय एम होगा कि नहीं होगा अगले स्टेप में सेंटर ऑफ मास के अबाउट केवल टॉर्क कंसिडर करो तो टॉर्क कितना होगा एफ इन आर कितना टू बाय फाइव एम आर स्कवायर इन क्या हो गया अल्फा हा फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई फाइव एफ बाई कैसा बना था इस फोर्स का इसके अबाउट तो अल्फा क्लॉकवाइज तो ए टू पीछे क्यों आएगा कि नहीं आएगा और ए टू आएगा वहां पे आर अल्फा आर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो 5f एफ बाय टू आएगा कि नहीं आएगा अब बताओ a1 आगे की ओर कितना है f बाय पीछे कितना है तो दोनों को ऐड कर बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है पीछे लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए अब यहां पे हम कुछ देख के नहीं पा, कह पा रहे हैं तो इसलिए हम अपने मेथड को फॉलो करेंगे सरफेस को पहले फ्रिक्शन लेस इमेजिन किया लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलोरेशन निकाला लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ हो गया आगे अब चेक कर लो वैल्यू कितनी ए सॉरी फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई अब हमें क्या करना है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन अप्लाई करो और चेक कर लो क्या करोगे सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था पे इसका एक्सलरेशन अगर ए सी एम इसका तो पहली क्वेश्चन तो यही लिखी ही नहीं लिखी कि ए सी एम किसके बराबर इस मेथड का कोई यूज नहीं है इस मेथड से हमें केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या करना था फाइंड आउट करना था अब हमें क्या करना है ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन अगर देखोगे तो एफ प्लस एफ एस एम इंटू ए सी एम के बराबर होगा कि नहीं होगा नॉर्मल किसके बराबर ये दोनों इक्वेशन आएगी जब हम बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन क्या करेंगे कंस्टिडर करेंगे अब अगले स्टेप में बॉडी का रोटेशनल मोशन कंस्टिडर करना है बताओ बॉडी कैसे रोल करेगी जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी ऐसे रोल करते हुए जाएगी या ऐसे रोल करते हुए जाएगी अभी जब फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आगे जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जाएगी तो किसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट एफ क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा फ्रिक्शन कैसा रोटेट कराएगा और हमें नेट टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए तो नेट टॉर्क क्या होगा एफ आर एफएस आर आईसीएम अब क्या करना है इक्वेशन वन थ्री फोर को सॉल्व करो और चेक करो आंसर क्या दिया हुआ है आया चेक करो आंसर क्या दिया पीछे इसका दिया ना उतना देखो पेज नंबर फोर्टी सिक्स पे आओ जरा पेज नंबर फोर्टी सिक्स पे आओ और सॉल्व करो जरा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन पेज नंबर बोल रहा हूं फोर्टी सिक्स पेज 46 सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 76 और 77 तो पहले जरा क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व करेगा 76 में क्या बोल रहा है स्पूल इज पुल्ड हॉरिज़ॉन्टली बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ बिलो सेंटर ऑफ मास मतलब स्पूल ऐसा देखा ही नहीं देखा है अभी कहीं ऐसा स्पूल देखा है स्पूल का मतलब क्या होता है अभी मेडिकल का टेप आता था पहले वाइट कलर का टेप लगाया जाता था, था तो कैसे लपेटा जाता था अभी मेडिसिन में टेप यूज़ करते हैं वाइट वाला पहले यूज करते है. कैसे यूज़ वो किसके ऊपर रैप किया जाता था एक सिलेंडर होता था उसके ऊपर रैप करते नहीं रैप करते थे और साइड में उसका जो साइड पोर्शन था बढ़ा दिया जाता था, था, था उसका वहाँ पे अरे yes. पतंग उड़ाते चक्रील देखी नहीं देखी है तो चक्रील में क्या होता है चक्रील में तो को इस तरह का रहती ही नहीं रहती सिम जोमेट्री ऐसे रहते हैं अभी कभी देखा नहीं क्या तुमने इस तरह का होता ही नहीं होता है तो ये जो सिस्टम रहता है ये एक तरह क्या है? स्पूल है स्पूल का मतलब क्या है अंदर का भी रेडियस है बाहर का भी वहां पे क्या है कुछ रेडियस है लेकिन हमें उस ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक स्पूल है और उसके ऊपर हमने फोर्स यहां कहीं अप्लाई किया है फोर्स अप्लाई किया है सेंटर ऑफ मास के नीचे अब चार ऑप्शन दिए इन्हें चार डायग्राम दिए उसने एक में फ्रिक्शन लगा दिया पीछे दूसरे में फ्रिक्शन लगा दिया आगे तीसरे में फ्रिक्शन बोल दिया जीरो और लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है कैन नॉट बी इंटरप्रिटेटेड बता नहीं सकते फ्रिक्शन कहां लगेगा तो बताओ यहां पे फ्रिक्शन कहां लगेगा अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है जो मैथड बताया है वो मैथड यूज करो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं यूज करो वो मैथड पहले एक बार क्या किया अब इतना भी कैलकुलेट नहीं करना वैसे देखो समझ में आएगा एक बार क्या किया ट्रांसलेशनल मोशन पकड़ा तो लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जाएगा एफ बाय आगे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा सरफेस को फ्रिक्शन लेस पकड़ना है पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो आगे अच्छा अब टॉर्क किसका बनेगा अभी एफ का कैसा टॉर्क बनेगा तो अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट का लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलरेशन ए टू इक्वल्स टू आर अल्फा वो भी कहां जाएगा आगे दोनों का ऐड कर दो पॉइंट कहां जा रहा है आगे आगे अगर होगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा तो चेक करो 77 का क्या दिया ऑप्शन नहीं सॉरी 76 का अरे चेक कर पीछे क्या दिया है दिया है ना ये? और उसका अगला सॉल्व करेगा 77 अगला क्वेश्चन देखो 77 सबके मॉड्यूल है भी कि नहीं है क्यों भूल गया तो मान क्लास किस किस चीज के लिए आ रहा है ऐसे घूमने के लिए अगेन क्वेश्चन में इस तरह से एक स्कूल है और इस स्कूल में फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट किस पे है अब बताना है फिर से फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा आया किसी का बोलो क्या आएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहां पे पीछे, पीछे? कैसे बोला पीछे था मुझे पहले सबसे पहले सरफेस को हमने क्या इमेजिन कर लिया स्मूथ स्मूथ इमेजिन करोगे तो यहां पे क्या शो किया एम जी फिर इधर हां फिर क्या किया हमने ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर किया अब बताओ जब ट्रांसलेशनल मोशन कंस्डर करोगे तो नेट फोर्स एक्स के अलोंग तो लोअर मोस्ट पॉइंट का जो एक्सलोरेशन है ए वन वो तो क्या हो गया जीरो फिर क्या किया टॉर्क रोटेशन देखा बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये फोर्स कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है ये टॉर्क अगर एंटी क्लॉक क्रिएट करेगा तो इस पॉइंट का एस्लोरेशन ए टू कहा जाएगा आगे। अब बताओ ए वन जीरो ए टू आगे दोनों को ऐड कर दो पॉइंट कहां जा रहा है पॉइंट अगर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां जाएगा और यही क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है आया चेक करो आंसर दिया दिया कि नहीं डायरेक्शन क्या है नहीं बंद कर दिया आया? फिर देखो इसमें तो नहीं दिया मॉड्यूल में क्वेश्चन है आई का रब करो इतना देखो जो क्वेश्चन है ना आई का वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये है ग्राउंड और बेसिकली इस प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वहां पे सिलेंडर है सिलेंडर का मास दिया है एम रेडियस कितना आर तो ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर सिलेंडर रखा है सिलेंडर का मास M, कितना आर अच्छा अब इस सिलेंडर के ऊपर एक प्लैंक को लाके प्लेस किया गया तो जो भी सिलेंडर है सिलेंडर के ऊपर एक प्लैंक को लाके प्लेस किया गया है और इस प्लैंक का मास M है अच्छा अब जो भी प्लैंक है प्लैंक को हम क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं अ फोर्स एफ अब बताओ सिलेंडर के ऊपर एक प्लैंक पड़ा हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द सर्फेसेस आर रफ जितने भी सरफेस हैं वो सभी सरफेस वहां पे कैसे हैं इसका मतलब है फ्रिक्शन सिलेंडर और ग्राउंड के बीच में भी है और फ्रिक्शन किसके बीच में है सिलेंडर और तो सभी सरफेस वहां पे रफ है अच्छा सरफेस रफ होगा अगर इस तरह से तुम प्लैंक को खींचोगे तो सिलेंडर वहीं रुका रहेगा क्या सिलेंडर कहां जाएगा सिलेंडर जो रहेगा वो बताओ ऐसा रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर तो क्वेश्चन में बोल रहा है नो स्लिपिंग एनी वेयर किसी भी जगह स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब है कि सिलेंडर और प्लैक किच में कोई स्लिपिंग हो रही है क्या नहीं सिलेंडर और ग्राउंड किच में कोई स्लिपिंग हो रही है क्या और सिलेंडर और ग्राउंड किच में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका अंदर तो सिलेंडर क्या कर रहा है तो यहां पर हम ऐसा बोलती हूँ बोलते हैं कि जो भी सिलेंडर है उसकी यहां पर प्योर रोलिंग हो रही है और ये दस मार्क्स का क्वेश्चन था सब्जेक्टिव पूछा गया है अब क्वेश्चन के तीन पार्ट्स थे देखो तीनों पार्ट क्या था फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ फाइंड आउट द एस्लेशन ऑफ प्लैंक एंड सिलेंडर फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है फाइंड आउट एसलरेशन ऑफ प्लैंक एंड स्लेंडर कुछ नहीं बोलेगा सेंटर ऑफ मास का एसलरेशन होता है फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछ कैलकुलेट क्या करना है फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सिलेंडर एंड प्लैंक फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्लेंडर एंड प्लैंक नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है सिलेंडर और प्लैंक के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सिलेंडर एंड ग्राउंड फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सिलेंडर एंड ग्राउंड बोलो करोगे क्या यहां पे पहले बताओ मुझे सर पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ जरा सबसे पहले ये बताओ फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा बोलो अगर सिलेंडर और प्लैंक के बीच का सरफेस स्मूथ होता तो प्लैंक कहां चला जाता भाई अगर इन दोनों के बीच का सरफेस अगर स्मूथ होता तो प्लैंक कहां चला जाता और जहां स्लाइड करेगा उसके ऑपोजिट क्या अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन तो ऐसा हम बोलते नहीं बोलते कि फ्रिक्शन अगर क्या आया ध्यान स्टैटिक होगा तो अगर इसपे फ्रिक्शन एफ वन पीछे आएगा तो स्लेंडर पे कहा जाएगा अब ग्राउंड किस डायरेक्शन फ्रिक्शन अप्लाई करेगा वो कैसे पता चलेगा किसकी स्टडी स्टडी करो करो केवल की एक बार ट्रांसलेशनल कंसिडर करो एक बार रोटेशनल कंसिडर करो बताओ सिलेंडर को सिलेंडर और ग्राउंड के बीच का सरफेस फ्रिक्शन लेस मान लिया कि नहीं मान लिया अब ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट का एक्सलरेशन भाई इस पर आगे की ओर फोर्स एफ वन लग रहा ही नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एफ वन है अभी सरफेस को हमें फ्रिक्शन लेस पकड़ना है तो एफ वन एन बताओ इसके अलावा कुछ है क्या है। तो ए वन जो रहेगा लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सलोरेशन ट्रांसलेशन एंड आगे होगा अब टॉर्क किसका बन रहा है टॉर्क इसके अबाउट एफ वन का बन रहा है ये टॉर्क कैसा रोटेट कराएगा कितना बनेगा टॉर्क टॉर्क बनेगा एफ वन इंटू आर आई सी एम कितना तो अल्फा कितना आ गया अल्फा आ गया टू एफ वन अपॉन एम आर अब इस पॉइंट का एस्लोरेशन रोटेशनल मोशन के कारण पीछे होगा कि नहीं होगा ए टू की वैल्यू आर अल्फा आर अल्फा का मतलब क्या हो गया मतलब कौन सा एस्लोरेशन ज्यादा है ए वन या ए टू टू तो पॉइंट कहां जा रहा है पॉइंट अगर पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा किसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर तो प्लैंक अप्लाई कर रहा होगा आगे ग्राउंड भी कहां अप्लाई कर रहा होगा आगे अब क्या करें भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया तो अब क्या करें अभी अब सिलेंडर का फ्री बॉय डायग्राम ड्रॉ करो और सिलेंडर प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है तो लिखो अब इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे बोलो इक्वेशन क्या लिखी बोलो सिलेंडर का फ्री बॉय डायग्राम ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया yes. बताओ सिलेंडर का अगर फ्री बॉय डायग्राम ड्रॉ किया तो तुमने क्या शो किया यहां पे एक तो ग्राउंड की नॉर्मल एम जी फिर यहां पे एफ टू यहां पे एफ वन प्लैंक की भी नॉर्मल आएगी कि नहीं आएगी तो प्लैंक की नॉर्मल बताओ इसके अलावा कोई फोर्स होगा क्या एफ वन एफ टू दोनों नॉर्मल और वेट अच्छा इसका मास कैपिटल है में ना तो ये हो जाएगा वहां पे एम इन टू जी अब ये कैसा रोल करता हुआ जा रहा है तो मान लो इस डायरेक्शन में अल्फा सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ए वन ए वन मान लो या ए मान लो जो भी सेंटर ऑफ मास है उसके एक्सलेशन को हमने किससे डिनोट कर दिया ए से मतलब इक्वेशन क्या लिखेंगे पहली इक्वेशन अबे पहली इक्वेशन तो यही यूज करोगे ना एक्वल टू फिर ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो अगली इक्वेशन एफ वन प्लस एफ टू किसके बराबर एम इन टू ए सी एम ए सी एम का मतलब है अच्छा ये कैसा रोटेट कर रहा है तो F1 का टॉर्क ज्यादा होगा F2 का टॉर्क कम होगा तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे F1 वन इंटू आर माइनस एफ टू इंटू आर इक्वस टू आईसीएम कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा ये हो गई इक्वेशन थ्री अब अनोन कितने अनोन कितने अभी यहां पे अगर इक्वेशन देखोगे तो अनोन चार है कि नहीं है F1 वन अनोन एफ टू अनोन अननोन अनोन और अल्फा तो अगर चार इक्वेशन है अनोन है तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए तो इससे तो काम चलेगा नहीं हमारा अब अगली इक्वेशन किसकी लिखे भाई सिलेंडर तो यही देगा ना ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा ट्रांसलेशनल मोशन के कारण नेट फोर्स इक्वल टू एम रोटेशन के कारण नेट टॉर्क अल्फा अब नेक्स्ट इक्वेशन कहां से आएगी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी जो हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे प्लैंक की बताओ प्लैंक की अगर स्टडी करोगे तो क्या शो करोगे एक तो प्लैंक का वेट फिर नॉर्मल एंड डैश इस डायरेक्शन में एफ इस डायरेक्शन में प्लैंक पे बताओ यही फ्री बॉय डायग्राम होगा कि नहीं होगा वहां पे अब ये प्लैंक कहां जा रहा है तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे एफ माइनस एफ वन इक्वल टू एम क्या लिखे एफ माइनस एफ वन इक्वल टू एम इसका कुछ एसलोरेशन होगा कि नहीं होगा तो मैंने लिखा इसका एसलोरेशन ए डैश अब बताओ ए डैश किसके बराबर होगा यहां पे अगर हम ए डैश एक्सलरेशन की बात करें तो ए डैश किसके बराबर होगा देखो याद है पे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म करता है तो इसका एक्सलेशन ए सी एम इसका एक्सलोरेशन कितना होता है टू ए सी एम इसका तो अब ये बताओ सिलेंडर जो है सिलेंडर का टॉप मोस्ट पॉइंट हमेशा प्लैंक के कांटेक्ट में है कि नहीं ऐसा तो है नहीं कि ये ये तुम्हारा सिलेंडर है ये तुम्हारा प्लैंक है तो ऐसा तो नहीं कि प्लैंक ऐसा स्लाइड करता हुआ जा रहा है प्लैंक तो इसके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है और प्लैंक अगर साथ जा रहा है इसका मतलब है कि जो एक्सलोरेशन मोस्ट पॉइंट का होगा बताओ वही एक्सलोरेशन प्लैंक का होगा कि नहीं होगा अगर प्लैंक स्लिप कर जाता तो जैसे ये ये सिलेंडर था ये प्लैंक था प्लैंक अगर ऐसे चला जाता तो या ऐसे जाता तो स्लिपिंग हो गई कि नहीं हो गई अब क्या हो रहा है दोनों एक साथ चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे तो दोनों का एक्सप्लोरेशन टॉप मोस्ट पॉइंट का क्या हो गया तो अब तुम क्या बोलोगे तुम बोलोगे इसका एक्सलोरेशन तो प्लैंक इक्वेशन क्या लिख दोगे अब प्लैंक इक्वेशन लिखोगे एफ माइनस एफ वन टू एम इन टू अब बताओ अननोन वही रहे कि नहीं रहे अब अननोन क्या है अननोन चार है और ये चारों अननोन क्या है f1, f2, a और अल्फा तो हमारे पास चार इक्वेशन है और चार हमारे पास क्या है अननोन है वहाँ पे तुमने कहा एक्सलरेशन बताओ जरा इन सब इक्वेशन से एसलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कैलकुलेट कर सकते हो कितना है एक्सलरेशन बताओ जरा बाकी फिर तो कैलकुलेट कर ही लोगे तो एक बार एक की वैल्यू बताओ एक की वैल्यू कितनी आ रही है फिरफ्ट फोर एफ थ्री इंटू कैपिटल एम ये चेक कर इतना बन रहा है क्या एसलरेशन फोर एफ अपॉन थ्री एम प्लस एट एम बना इतना अब बताओ एक बार अगर हमें एसलरेशन मिल गया तो हम एफ वन एफ टू अल्फा सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है हम वैल्यू का बाद में चेक करेंगे कि सही आती कि नहीं आती है। बताओ यहाँ पे कहीं एनर्जी का लॉस होगा क्या बोलो भाई देखो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसा है स्टैटिक है अच्छा इस पूरे को हमें क्या मानना है इस पूरे को हमें मानना है अभी सिस्टम तो मैंने बोला प्लैंक प्लस लैंडर को तुम सिस्टम मान लो तो प्लैंक प्लस लैंडर को जब तुम सिस्टम मानोगे तो बताओ उस केस में ये फ्रिक्शन इंटरनल हुआ कि नहीं हुआ yes. और वहां पे लिखवाया था फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है और इंटरनल है तो उसका वर्क डन हमेशा क्या होता है yes. जीरो काइनेटिक का होता है लेकिन फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है और वो इंटरनल है उसका वर्क डन तो क्या हो गया जीरो लोअर मोस्ट पॉइंट अगेन वर्क डन क्या है जीरो तो अब बताओ एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं कंजर्व होगी yes. अच्छा अब बताओ किसी टाइम पे एनर्जी क्या लिखे किसी टाइम पे अगर हमें एनर्जी लिखनी है तो बोलो एनर्जी क्या लिखे किसी टाइम पे किसी टाइम पे एनर्जी अगर लिखने जाऊंगा तो प्लैंक की एनर्जी क्या लिखूंगा हाफ एम अबे इसकी वेलोसिटी अगर वी होगी इसकी वेलोसिटी ओमेगा होगी तो इसकी वेलोसिटी अगर वी होगी तो प्लैंक की वेलोसिटी उस टाइम पे टू वी होगी कि नहीं होगी कि प्लैंक किसके कांटेक्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट के तो अगर इसकी वेलोसिटी वी तो इसकी वेलोसिटी टू वी और वी और ओमेगा में रिलेशन क्या होगा वी इक्वल्स टू तो बताओ किसी टाइम पे अगर हम एनर्जी लिखेंगे तो प्लैंक की एनर्जी तो यही होगी yeah. अच्छा सिलेंडर की एनर्जी क्या होगी सिलेंडर तो यहां पे ट्रांसलेट भी कर रहा है साथ में yeah. तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर रोटेशनल मोशन के कारण हाफ आई सी एम आई सी एम कितना एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का मतलब क्या लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखो ऐसा लिख सकते लिख सकते हो अब टोटल एनर्जी कितनी बन गई वहां पर टू हट जाएगा तो एक तो आ जाएगा यहां पे कितना है? टू एम वी स्क्वायर और ये कैपिटरी टर्म क्या दे देगी वहां पे? हाफ वन बाय फोर कितना थ्री बाय फोर अबे इसको और इसको ऐड करने पे कितना देगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आउट हुआ हाफ प्लस वन बाय फोर कितना थ्री बाय फोर एम इंटू वी स्क्वायर वी किसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की अब क्या करें वहां पे इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो क्या देगा इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो किसके साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बताओ टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डी बाई डी टी होगा कि नहीं होगा होगा यहां पे क्या दे देगा टू एम वी स्क्वायर का टू वी इंटू डी वी बाय डी टी फिर फिर क्या लिखे होगा अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना थ्री बाई फोर एम वी स्क्वायर का टू वी इंटू डी वी बाई डी टी अच्छा एनर्जी तो कंज एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होगी क्या क्यों अबे एनर्जी तब कंजर्व होती है जब किसी का वर्क नहीं होता है फ्रिक्शन का तो वर्क नहीं हो रहा है लेकिन इस फोर्स का क्या है इसका वर्क है कि नहीं है और इसका वर्क है इसका मतलब कि एनर्जी तो यहां पे क्या होगी सिस्टम की चेंज होगी ऐसा बोले नहीं बोलोगे फ्रिक्शन ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया लेकिन ये फोर्स तो वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा है तो अब क्या लिखोगे वहां पे अरे बताओ इस साइड क्या बन गया टू इंटू टू कितना फोर एम वी ना हाँ फिर प्लस कितना थ्री एम वी बाय टू डी वी बाई डी टी वी अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो डी वी बाई डी टी है कि नहीं yes. है अब ई e अगर एनर्जी है तो डी ई डी टी बताओ इंस्टेंटेनियस पावर है कि नहीं अभी ई अगर एनर्जी है किसी इंस्टेंट पे तो डी बाई डी पावर है कि नहीं है yes. अब पावर को क्या लिखते हैं पावर इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी था कि नहीं था yes. अभी था कि नहीं था yes. तो एफ कितना है फोर्स वेलोसिटी कितनी है yes. तो हम इसको लिख सकते हैं क्या इंस्टेंटेनियस पावर को एफ इंटू टू वी yes. नहीं बना क्या आंसर चेक करे यार जब तूने बोला था आंसर ए की वैल्यू वी वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना वहाँ पे देखो चेक करो कुछ गलत हो रहा है क्या यहां पे आ रहा है yes, कितना आ रहा no. V वाली टर्म तो कैंसिल आउट कर दो पहले no. कितना आ रहा है ए की वैल्यू फोर एफ क्यों आएगा ये अच्छा टू मल्टीप्लाई जाएगा ना ठीक है ए की वैल्यू कितनी फोर एफ बाय एट एम प्लस थ्री टाइम्स कैपिटल तो या तो हम क्या करें इक्वेशन लिखे वहां से सॉल्व कर दें या फिर हम किसी टाइम पे पावर निकाल लें पावर को क्या लिखेंगे फोर्स इनटू क्या हो गया वेलोसिटी वहां पर तो यहां से भी आंसर हमें क्या मिलता है सेम मिलता है वहां पर इतना आया कि नहीं समझ में इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए मॉडल में तो उसको तुम लोग सॉल्व करके देखना वहाँ पर